प्रतीक्षा और जनक। अब इन बंगलों में ये बीएमसी के जारी सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का अगर कोई वायरस है तो उसको खत्म किया जा सके। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। इस समय हम जनक बंगले के बाहर मौजूद हैं, जो अमिताभ बच्चन का दफ्तर भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। कल ही खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन और उनके बेटे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में बीएमसी द्वारा उनके दफ्तर को भी सील किया गया है, उनके बंगले जो है प्रतीक्षा और जलसा उसे भी सील किया गया है। आप देख सकते हैं कि लगातार सैनिटाइजेशन का काम शुरू है। बीएमसी के कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कितने बजे आप लोग पहुंचे यहाँ पर? 9 बजे पहुंचे। तरीके से सैनिटाइजेशन का काम आप लोग अंदर से करके बाहर आए? 9 बजे से स्टार्टिंग उधर से किया, तो उनका जो सेक्रेटरी है अंदर से। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो ना जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक हैं। दे आर ट्राइंग टाइम्स, एवरीवन इज बीइंग वर्क्ड टू देयर एब्सोल्यूट लिमिट्स। देयर इज ऑलवेज फियर, देयर इज परहैप्स डिप्रेशन, बट प्लीज डू नॉट डिस्पेयर, डू नॉट पैनिक। We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. Aur main janta hoon कि आप का स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है, और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है, आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।